नमस्कार, गुड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती शर्मा और ये जो कार्यक्रम है ये आप देख पा रहे हैं गुड मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में। आप हमें देख पा रहे हैं सिटी चैनल के सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 101 पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे फेसबुक अकाउंट पर और यूट्यूब चैनल पर। तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगी सबसे पहले मैं आपको। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल मैं आज और अभी मौजूद हूँ कैथोलिक चर्च में, शिमला में, जो कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं एक ऐतिहासिक स्थल भी है। और यहाँ पर ना केवल बड़े दिन में, वैसे तो आज बड़ा दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो है एक लोगों की बेहद आस्था जुड़ी हुई है और लोग जो है यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर भी आते हैं और काफ़ी लेकिन इस बार की बात करें, कोरोना काल की बात करें, तो कोरोना काल का एक गहरा प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिला है। और ऐसे में जो यहाँ के फादर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। तो सर, सबसे पहले तो अपना परिचय जो है वो आप हमारे दर्शकों को दें। मैं फादर टी राज, यहाँ का पल्ली पुरोहित, यानी पैरिश प्रिस्ट इंचार्ज वी कैन कॉल, ऑल द सेम एट द सेम टाइम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस प्लेस, ओके, दिस पैरिश। कैथोलिक चर्च की बात करेंगे थोड़ा, कब से जो है, क्या इसका महत्व है और क्या खासियत है इसकी, वो हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो ये चर्च का निर्माण हुआ है 1885 बाय लॉर्ड रिपन, देन द वाइसराय, तो उस समय के वाइसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा उस समय ये बनवाया गया, निर्माण हुआ और ये लगभग अभी 130 साल के ऊपर हो गए हैं करीब। इसका निर्माण में एक खासियत है, गोथिक स्टाइल में बनाया गया है आर्किटेक्ट, तो ये पत्थर का, पूरा पत्थर का बनाया हुआ ये चर्च हैं, गिरजाघर हैं। और हम देखते हैं यहाँ जो विंडो ग्लास हैं, जिसे पेन ग्लास कहते हैं, जिसमें दर्शाया गया है प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म से लेकर उनका मरण तक का जो कई प्रकार के जो मेन घटनाएं हैं उसे प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया। यस, तो बिल्कुल यहाँ हम तस्वीरें भी आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे कैथोलिक चर्च की, और तस्वीरों के साथ ही हम अंदर की तरफ रुख करेंगे और जानेंगे कि आज जो बड़ा दिन मनाया जा रहा है तो किस तरीके की तैयारियां जो है वो इस चर्च में हमें देखने को मिलेंगी। तो जिस तरह आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, हम जैसे ही अंदर की तरफ जो है वो प्रवेश करते हैं, किस तरह से जो है वो चर्च को सजाया गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं बिल्कुल। और मेरे साथ जो है चर्च के फादर भी साथ साथ चले हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि हर साल इसी तरह की सजावट हुआ करती थी चर्च में या इससे ज़्यादा हुआ करती थी, क्या कोरोना का प्रभाव जो है वो आज इस बार जो है वो चर्च में देखने को मिला है? या हर साल वैसे क्रिसमस ये 25 तारीख को, दिसंबर को हम मनाते हैं, धूमधाम से मनाया जाता था और सजावट भी ज़्यादा ही होता था। इस साल हम थोड़ा कम, मतलब लोगों के कमी के कारण एक प्रकार, और जो सरकार के द्वारा जो नंबर भी लिमिट हो गए, तो इसी प्रकार ये महामारी के अवसर पर, कोरोना वायरस के अवसर पर ये थोड़ा कम हो गया है, सजावट भी कम हो गई, लोगों का आना जाना भी कम हो गया, इसी प्रकार इस साल का थोड़ा कम हम देख रहे हैं जी। फिर भी उत्साह है लोगों के मन में, लोग आना चाहते हैं एक प्रकार, थोड़ा डर तो है जी। हाँ, भीड़ से थोड़ा अलग अलग हट के हम रह रहे हैं जी। तो इसी प्रकार प्रार्थना का जीवन, हम इस प्रार्थना थोड़ा जोर दिया गया है जी। सजावट को नहीं जी। तो किस तरीके से जो है वो सुबह की शुरुआत हुई थी और क्या कुछ प्रार्थनाएं, किस तरीके की समय सारणी रही थी? सुबह हमने 10:30 बजे हमारा प्रोग्राम रहा कैरल सिंगिंग, यानी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जो खुशी का पैगाम है, हम वो गीत के द्वारा हमने इसी प्रकार शुरू किया है। साथ ही साथ जो पूजा पाठ हैं, जिसे कहते हैं मिसा बलिदान, वो मिसा बलिदान को हमने लोगों के साथ मनाया है। हर जो बलिदान में प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, और जो रोटी और दाखरस हैं वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त हैं, उसे हम ग्रहण करते हैं। हर बंदगी में यही होता है इस कैथोलिक चर्च में। तो ये आप देखते हैं वहाँ, आप दिखाइए वो जो वेदी हैं, जिसे कहते हैं वेदी, इस वेदी पे वो बलिदान चढ़ाया जाता है जो प्रभु यीशु मसीह जो समय पर वो आखिरी भोजन अपने शिष्यों के द्वारा किया, 12 जो प्रेरित लोग के साथ किया था,
उस भोजन में रोटी लेके दाकरस के लेके कहा, ये मेरा शरीर और ये मेरा रक्त है और इसे मेरे इसे लो और खाओ, मेरे यादगार में क्या करो, ये पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। उस समय से ये बलिदान प्रेरितों के द्वारा और आज भी कलिसिया में ये इसी प्रकार जारी रहता है। जी, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हर एक त्यौहार अपनी एक विशेष महत्ता रखता है, और इसी के चलते आज जैसे बड़ा दिन जो है वो मनाया जा रहा है, और हर चर्च में, चाहे हम शिमला की बात करें, हम जो चर्च शिमला में, राजधानी शिमला में जो है रिज मैदान में जो चर्च है, और यहाँ जो कैथोलिक चर्च है, दोनों में ही अपने अपने अंदाज जो है वो बड़ा दिन क्रिसमस जो है वो मनाया जाता है। लेकिन आज हम जानेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में और उनकी कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। ओके, यीशु मसीह का जन्म के बारे में युगों से पहले भविष्यवाणी की गई है नबियों के द्वारा। तो ईश्वर पुराने विधान में हम देखते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर नबियों के द्वारा प्रकट किया, बात करा और उनकी इच्छा को प्रकट किया, क्योंकि दुनिया में बंधन में है, दुनिया पाप में जीवन जी रहे हैं, बंधन में है, परेशानी में है। इस बंधन से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु आने वाले हैं। इसी प्रकार लोगों को तैयार करते आए नबी लोग, और अंत में प्रभु यीशु क्रिस्त जो मुक्तिदाता है वो इस दुनिया में जन्मा है कुंवारी माता के द्वारा। तो इसलिए इस दिन कलिसिया हमें बताती है मनाने के लिए। तो ये प्रभु यीशु क्रिस्त के आगमन के बारे में युगों में से पहले बताया गया, उसी को आज एक प्रकार वो ये प्रकट हो, मैनिफेस्टेड टुडे। सो जीसस इज द मेसाया, द रिडीमर, द सेवियर ऑफ ऑल मैनकाइंड। अभी हमने जो है वो फादर, जो यहाँ की कैथोलिक चर्च के फादर हैं, उनसे बात करी, तो उन्होंने तीन शिक्षाएं जो यीशु मसीह की थी वो प्रमुख बताई है, कि क्षमा कर देना, प्यार से बातचीत करना और पापों से दूर रहना। तो ये शिक्षाएं कुछ इस तरीके से भी है कि हर व्यक्ति को भी ये शिक्षाएं अपनानी चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म किसी को दुख ना दें और हम सभी का जो है वो भला करें। ये कुछ शिक्षाएं हैं जो मैंने पहले भी कहा कि हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। फिलहाल अभी जो यहाँ पर लोग आए हैं अपनी एक आस्था लेकर, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है आज के इस बड़े दिन के अवसर पर, क्रिसमस के अवसर पर। हिंदी में बोलूं और इंग्लिश में? सर हिंदी। अच्छा, देखिए आज का दिन खासकर हमारी फैमिली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन जो है गोरे लोगों से 1875 की जाती है। 1875 में माय ग्रेट ग्रैंडफादर पपरोला से घोड़े और खचरे लेके इनके इन्विटेशन में जितोग आए थे। हम वहाँ, हमारे जितोग में घर है, हमारा बिजनेस होता था और मैं वहीं पला हूँ और पढ़ा हूँ कैंट स्कूल में। और वहाँ पर हमारे सामने ही जब हम बच्चे थे दो चर्चे, एक कैथलिक एक प्रोटेस्टेंट। लकीली जब मैं मेजर बन के आर्मी में, हमारे को इंसेंटिव मिला, बचपन से देखते थे इनको। मेरे फादर भी बोलते थे, बेटा बिजनेस में इज्जत नहीं है, अगर बनना है तो इन अफसरों की तरह बनो। तो दैट वाज द इंसेंटिव आई माय चिल्ड्रन आल्सो। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार, मैं जितोक से हूँ, जितोक कैंट से। बहुत अच्छा लग रहा है। बता दो शर्मानी, क्या बात है, बताओ। ओके, माय नेम इज फ्लोरेंसिया फर्नांडिस, माय हस्बैंड रोयन एंड माय चिल्ड्रन स्टेनी एंड नैश, वी हैव कम हियर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। एंड द मैसेज दैट वी वांट टू गिव एवरीवन इज देयर शुड बी अ लॉट ऑफ पीस लव अमंगस्ट अस इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज, एंड वी शुड नॉट लूज होप। वेलकम। आप बोल रहे हैं, मैं बोलने वाली थी, इतना अच्छा। I would just like to wish everybody a very, very Merry Christmas and wish you all the best for 2021. तो ये तस्वीरें आपने देखी कैथोलिक चर्च की, जहाँ जो है कोरोना के चलते कितना प्रभाव जो है यहाँ के लोगों को पड़ा है, और कितनी संख्या में लोग जो हैं वो कैथोलिक चर्च पहुँचे हैं, आस्था और विश्वास के साथ आज वो यहाँ आए हैं और एक उम्मीद लेकर आए हैं कि कोरोना की ये जो मामले हैं ये कहीं खत्म हो जाए और कोरोना जो है प्रदेश से, देश से चला जाए, ये कुछ उम्मीद जो है वो लेकर आए हैं। तस्वीरें आपने देखी गुड मीडिया के माध्यम से, आज जो है वो बड़ा दिन क्रिसमस जो है वो
बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत देश में मनाया गया। और ऐसे ही हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो शिक्षाएं आपको लगती हैं, हर धर्म की शिक्षाएं कुछ ना कुछ जो है हमें एक संदेश देती हैं, उन शिक्षाओं से हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो अगर आपको भी कुछ शिक्षाएं जो है वो अच्छी लगती हैं या पसंद आती हैं, तो आप भी उन सभी शिक्षाओं को अपना सकते हैं। बहरहाल आज के लिए मैं आप सभी से आरती शर्मा इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, आप कोरोना से बचे रहें और स्वस्थ रहें, यही हम उम्मीद भी करते हैं और यही हम आपसे अपील भी करते हैं कि आप जिला प्रशासन के द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और स्वस्थ रहें।